नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम लेकर हाजिर हैं अपना अगला लाइव इंटरैक्टिव सेशन लेकर, जो कि है सोशल साइंस का। और आज हम उसमें बात करने वाले हैं पावर शेयरिंग की, यानी कि जो आपका चैप्टर है वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट वन की आज हम बात करेंगे। सोशल साइंस की जब भी बात होती है तो बहुत इंटरेस्टिंग इसमें पढ़ाई होती है, क्योंकि हम अक्सर उसको कम तो रखते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग होती है। तो मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर पवन कुमार गुप्ता जी को फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी। आप हमारे आज गेस्ट हैं। पवन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार राहुल जी, एंड वेलकम टू ऑल माई व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। क्लास टेंथ का हमारा ये सेशन है। मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमारे साथ पवन जी से कोई प्रश्न पूछना चाहें तो लाइव इंटरेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर डायल करेंगे 8800440559। इसके अलावा कोई आपका लिखित प्रश्न है जो लंबा है, जिसको जगह ज़्यादा चाहिए लिखने के लिए, तो आप उसके लिए हमें ईमेल कर सकते हैं dth.class10@cieet.nic.in। और उसके अलावा कोई छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, उन्हें आप हमारे यूट्यूब पर लाइव कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आई वुड लाइक टू इन्वाइट पवन जी टू स्टार्ट दिस चैप्टर। आई होप दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सर्टेनली राहुल जी, इट वुड बी वेरी मच इंटरेस्टिंग। एंड डियर लर्नर्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अवर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बुक, दैट इज पावर शेयरिंग। So before starting this chapter, I would like to share with you a picture, and in this picture you can grasp the idea, you can grasp the summary of the whole chapter, that what we are going to learn in this chapter. So before starting this chapter, let us discuss some of the contents of this chapter. So students, this chapter has been designed in a very beautiful manner, and this chapter starts with two case studies, and these case studies are related to Belgium and Sri Lanka. So students, through these case studies we will come to know the real meaning of power sharing. We will come to know that what is the need of power sharing and why power sharing is needed in any country. In the same way, after we will discuss the meaning and need for power sharing, and then we will discuss about the different parts of power sharing, and at last we will conclude this topic. So all these things we are going to learn in this talk about the two books of Democratic Politics. So aap dekhen ki ye jo dono books hain unko bahut hi acche dhang se, these books are designed in a very excellent manner, and so many examples, cartoons, so many questions have been given in these books. So agar hum 9th class ki aur 10th class ki बुक में अगर एक रिलेशन बैठा है तो हम देखेंगे कि जो हमारी 9th क्लास की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक है उसमें पर्टिकुलरली डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, एंड व्हिच आर द फैक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन टुडेज वर्ल्ड वी आर सीइंग दैट सो मेनी कंट्रीज, दे वॉन्ट टू शो देमसेल्व्स दैट दोज आर डेमोक्रेटिक कंट्री, बट we should measure those countries upon some standards, that are they actually democratic or not. To is tarike se jo class 9th ki book hai isme democratic governments hai, democratic setup hai, uske bahut sare fundamentals diye gaye, uske bahut sare standards diye gaye jinke base par hum koi bhi democracy ko measure kar sakte hain. Jaise ki aap dekhe constitution, elections, राइट, इन द सेम वे इंस्टीट्यूशंस, फंडामेंटल राइट्स, इन द सेम वे इन क्लास 10th पर्टिकुलरली द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन गिवन, दैट हाउ डेमोक्रेसी वर्क इन अवर डे टू डे लाइफ, हाउ डेमोक्रेसी सॉल्व अवर डे टू डे प्रॉब्लम्स। सो इन दिस बुक यू विल स्टडी अबाउट द पावर शेयरिंग, यू विल स्टडी
about the federalism. You will study about the diversity, gender, religion, and caste issues, and different movements and political parties. Uh-huh. And ultimately, you will study the outcomes of democracy. So all these things you are going to study. Okay. In class 10. Okay. Rouse. So students, we should start from the one case study, that is Belgium, right? So here you can see that Belgium is a smaller country of Europe. Uh-huh. And if we see the size of Belgium, so we can find that Belgium is smaller than Haryana, and its population is about 1 crore. And it is about the half population of Haryana. Right. And here, students, you can see the map of Belgium. So, is Belgium ke map mein aap dekhe, to iske jo neighboring countries, just like France, Luxembourg, Germany, and Netherlands. So, these are the neighboring countries of Belgium. Okay. So, in this way, we can see that Belgium is a very smaller country of Europe. Now, if we talk about the ethnic composition of Belgium, so very first we should know what is ethnic, right? So ethnic is particularly related to a particular social group, right? And that social group is based on some particular beliefs, some particular culture and ideas. So if you will see the map, and this map has also been given in your book. So what we see in this map, that in the northern part, which you are seeing with yellowish color, right? So this part is known as Flemish region. And in this Flemish region, Dutch speaking people mostly live. And if you see the almost middle and southern part, and in this part, in this red part, mostly the French speaking people live in Belgium. And if you will see the eastern part, in eastern part, German speaking people, they means used to live in the country. If we talk about the percentage, right? So what we see that particularly 59% people who speak Dutch language, and they live in the Flemish area. Students, sometimes we get a confusion, right? That in which area, which people are living. So it is a very easy way to learn them. Jaise ki humne dekha upar Flemish area, right? So Flemish area is not related to French people. It is related to Dutch people. In the same way, Wallonia, right? That area is related to French people, and it is the southern part. So, agar hum alphabetically bhi dekhen, to F and W. F pehle aata hai, so that is situated to the north, and W, that is situated to the south. So, in this way, we can learn all these data in a very simple manner, and we will not be confused by them. In the same way, you are seeing here about 40% people in Belgium, they used to talk in French language. They use French language. Those are French speaking people. So what you are seeing, and about 1% people are German. So naturally you are seeing here that Dutch speaking people are in majority. So in the same way, if we talk about the Brussels, right? So Brussels is the capital of Belgium. यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है कि पूरी कंट्री का एक तरीके से रिवर्स, पूरी कंट्री में आपने देखा जो डच पीपल हैं दो आर इन मेजॉरिटी एंड फ्रेंच पीपल आर इन माइनॉरिटी, लेकिन अगर हम जो ब्रसेल्स की बात करें, वहाँ के कैपिटल की बात करें, तो वहाँ पर क्या है कि जो फ्रेंच पीपल आर इन मेजॉरिटी एंड डच पीपल आर इन Minority. Okay. So in this way, this is the ethnic structure of Belgium. Okay. अब देखें इस ethnic structure की वजह से वहाँ पर क्या problems start हुई?
सो वी शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर स्टूडेंट्स स्टार्ट ये हुई दैट दो फ्रेंच पीपल वन इन माइनॉरिटी बट वॉट हैपेंड देयर दैट मोस्ट ऑफ द पावरफुल पोस्ट मोस्ट ऑफ द वी कैन से इन्फ्लुएंशियल पोस्ट वर अंडर द फ्रेंच पीपल. जो फ्रांस के लोग थे बड़े बड़े पोस्ट पर उनका होल्ड. सो नेचुरली जो डच पीपल थे दोज फेल्ट आइसोलेटेड those felt discriminated. So in this way what we see that the tensions and conflicts started between the French people and Dutch people. Yes. And between 1950 to 1960 what we see that these conflicts raised. ये conflicts बहुत ज़्यादा बढ़ गए. Okay. अब यहाँ पर हम देखें कि राहुल जी जो बेल्जियम के लोग थे जी. उन्होंने किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया इस एथनिक प्रॉब्लम को या वहाँ पर जो पॉपुलेशन का कंपोजिशन था और उनकी जो प्रॉब्लम्स थी. सो दे सॉर्ट आउट दीज प्रॉब्लम्स इन अ वेरी एक्सीलेंट मैनर इन अ वेरी एमिकेबल मैनर. और इसमें उन्होंने क्या किया कि बोथ द ग्रुप्स दे मीन्स सेट टुगेदर वो आपस में बैठे दे टॉक टू ईच अदर एंड दे सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम. तो उन्होंने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया कि मींस दे चेंज देयर कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन 1970 टू 1993. तो उन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ का उसको 4 times अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया. और अमेंड करने का उनका जो मेन मोटिव था वो क्या था दैट ऑल द पीपल ऑल द एथनिक ग्रुप्स ऑफ बेल्जियम कुड लिव टुगेदर कुड लिव with love in Belgium. So in this way they sort out they took some of the steps to sort out the problems. And with the people of Belgium they set up an unique model of governments. Okay. In Belgium. और ये जो model है राहुल जी ये world में अपने आप में एक बहुत ही अलग तरीके का model है. जी. World में या हम दूसरी countries को देखें तो इस तरीके की गवर्नमेंट्स जनरली हमको देखने को नहीं मिलती. बेल्जियम के लोगों ने क्या किया कि हियर यू कैन सी ऑन द स्लाइड दे फॉर्म्ड 4 types ऑफ गवर्नमेंट. उन्होंने 4 अलग-अलग तरीके की गवर्नमेंट्स को फॉर्म किया. ठीक है. और इस तरीके से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की. सो यस सो हियर वी कैन सी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स कम्युनिटी गवर्नमेंट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ ब्रसेल्स. यानी कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने गवर्नमेंट में तब्दील कर दिया. गवर्नमेंट में तब्दील किया एंड दे गिव एनॉर्मस राइट्स टू ऑल द एथनिक ग्रुप्स टू ऑल द गवर्नमेंट्स एंड इन दिस वे दे रिड्यूस द और दे मींस मिटिगेटेड द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. इस तरीके से उन्होंने इसको कम किया. तो यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे about these governments. What were the different features of these governments? तो यहाँ पर हम देखें very first and students it is the very important question of this chapter. Many times this question is being asked in the exams means what is the model or which are the 4 types of governments of Belgium. So it is very easy and you can see here you can learn from here. So very first we will talk about the central government of Belgium. अगर हम इसको अपनी कंट्री से कंपेयर करें तो राहुल जी हमारी कंट्री में 3 level की गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इसी तरीके से ऑलमोस्ट द सेम मॉडल इज ऑफ बेल्जियम लेकिन इस मॉडल में थोड़े से उन्होंने अपने हिसाब से चेंजेस किए एंड दैट्स वे इट हैज़ बिकम एन यूनिक मॉडल. तो देखें सेंट्रल गवर्नमेंट में वहाँ पर उन्होंने क्या अरेंजमेंट किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी इन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ द मिनिस्टर्स ऑफ बोथ कम्युनिटीज वुड बी इक्वल. दोनों इक्वल होंगे भले ही डच मेजॉरिटी में है फ्रेंच माइनॉरिटी में है लेकिन दोनों को इक्वल पार्टिसिपेशन मिलेगा. दोनों के मिनिस्टर्स इक्वल होंगे. अच्छा नंबर ठीक है. yes. नंबर सेकेंड क्या है कि इफ देर इज एनी कंफ्यूजन इफ देर इज एनी वी कैन से
प्रॉब्लम टू टेक एनी डिसीजन. सो अल्टीमेटली दैट डिसीजन वुड बी टेकन ओनली विद द कंसेंट ऑफ बोथ द ग्रुप्स. जब दोनों ग्रुप्स उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर या उस पर्टिकुलर डिसीजन पर एग्री करेंगे तब उसको निर्णय लिया जाएगा. सपोज दैट वहां पर टैक्सेस को बढ़ाया जाना, तो एक ग्रुप इज इन फेवर दैट टैक्सेस शुड बी रेज्ड एंड अनदर ग्रुप दैट ग्रुप डज नॉट वांट टू इंक्रीज द टैक्सेस. तो इस तरीके से जब तक दोनों के बीच में कॉन्सेंट नहीं बने तब तक इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. इस मामले को इस तरीके से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और उस पर डिसीजन नहीं लिया जाएगा. सो दीज आर द बेसिक फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट्स. अगर हम इंडिया में भी देखें तो इंडिया में भी आपको अलग अलग राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट्स दिखाई पड़ती हैं जी. लेकिन यहाँ की जो इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और बेल्जियम की स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है. अगर हम इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट्स को देखें तो इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत सारे राइट्स दिए भी गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो राइट्स हैं Those have been given to the central government. लेकिन यहाँ पर अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को हम देखें बेल्जियम की, सो मीन्स दीज स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सबऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वर्क नहीं करती, राइट? क्योंकि अपने टैक्स कलेक्शन के सोर्सेज हैं, अपना टैक्स कलेक्ट करते हैं, अपने स्टेट के लिए रूल्स खुद बनाते हैं और इस तरीके से अपने पूरे स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रूल है, इस तरीके से दे हैंडल बाय देमसेल्व्स. सो इन दिस वे व्हाट वी सी दैट स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कम्युनिटी गवर्नमेंट. तो इंडिया में भी आप देखें कि जो एक तरीके से तीसरा लेवल है इंडिया में गवर्नमेंट का, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. बट दिस मॉडल इज वन टाइप ऑफ वेरी यूनिक मॉडल, वेरी डिफरेंट मॉडल फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो यहाँ पर जो कम्युनिटी गवर्नमेंट्स हैं उनकी खास बात क्या है कि फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, राइट, कम्युनिटी गवर्नमेंट्स हैव बीन अलॉटेड. सपोज दैट कोई एरिया है, कोई पर्टिकुलर एरिया है, तो वहाँ पर अगर फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी और उस कम्युनिटी गवर्नमेंट का वर्क क्या होगा, मीन्स दैट वुड वर्क फॉर द कल्चर, फॉर द एजुकेशन एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ फ्रेंच. इन द सेम वे इफ एनी एरिया देर इज डच स्पीकिंग कम्युनिटी गवर्नमेंट, so that Dutch speaking community government will work for the promotion of Dutch language, Dutch culture. Okay. This is the one aspect. In the same way, अगर हम दूसरी इसकी सबसे important चीज देखें तो वो क्या है कि यानी जो लोग हैं, whether those people, suppose that कोई एरिया में French speaking लोगों की community government है, तो वहाँ के जो उस एरिया के French speaking लोग particularly किसी भी एरिया में रह रहे हैं बट दे विल वोट फॉर दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी गवर्नमेंट. जैसे सपोज दैट कोई पर्सन है दिल्ली का और वो कोई सपोज दैट मुंबई में रह रहा है फ्रेंच स्पीकिंग, तो वो फ्रेंच स्पीकिंग जो यानी फ्रेंच पर्सन है, दैट पर्सन विल वोट फॉर दिल्ली, फॉर द दिल्ली फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट. सो इन दिस वे दीज आर द community governments of Belgium. Now we will talk about the government of Brussels. As we have already discussed that Brussels is the capital of Belgium. So यहाँ पर जो model है government का, that is almost same as we can see the model of central government. तो यहाँ पर भी क्या किया गया है कि आपने देखा कि वैसे तो ब्रसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की मेजॉरिटी है, लेकिन उनकी मेजॉरिटी होते हुए भी यहाँ पर क्या किया गया है कि दोनों ही कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और कोई भी डिसीजन तब लिया जाएगा व्हेन
both the communities are agreed upon that particular matter. So these are four types of governments of Belgium. Okay. In the same way, there is one very important feature related to the Brussels, that Brussels ne jo EU, EU means European Union. जी. Yes. इसका भी वहाँ पर पार्लियामेंट इस्टेब्लिश किया गया है और इसको इस्टेब्लिश करने का आप समझ सकते हैं कि एक जो बहुत सारे लीडर्स का कॉन्सेप्ट यही रहा होगा कि जो बेल्जियम है दैट वॉज एन इमर्जिंग पावर दैट वॉज ए मीन्स इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्री सो ऑल द लीडर्स डिसाइडेड टू सेट अप देयर पार्लियामेंट इन ब्रसेल्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन थी that was established on 1st of November 1993 and at present there are 27 members in European Union and very recently आपने देखा होगा कि जो इंग्लैंड है उसने यूरोपियन यूनियन से अपने आप को अलग कर लिया and जी. this process is known as Brexit. Yes, BR से ब्रिटेन एंड exit means निकल गया यानी कि यूरोपियन यूनियन से निकल जाए सो स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी द यूरोपियन यूनियंस पार्लियामेंट इन ब्रसेल्स पवन जी मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आपके पास सिर्फ 2 मिनट का समय रह गया है हमारा जो सत्र है वो समाप्ति की ओर है तो इसे कंक्लूड करने की जो है कोशिश करें जी ओके तो राहुल जी इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि जो बेल्जियम था तो बेल्जियम के लोगों ने किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया सो दिस इज द मेथड ऑफ पावर शेयरिंग दिस इज मींस व्हाट वी कैन कॉल द पावर शेयरिंग तो इस तरीके से आप देखें कि किस तरीके से बेल्जियम के लोगों ने क्या किया कि अपने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए भी अपने बहुत सारे मतभेद होते हुए भी वो एक साथ बैठे उन्होंने आपस में इस तरीके से टेंशन्स तो रही उनके बीच में बट अल्टीमेटली दोज टेंशन्स वर नॉट कन्वर्टेड इनटू द सीवियर वॉर्स और सीवियर फाइटिंग्स तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि आपस में बैठ कर मिल बांट कर जो पावर्स थी उनको शेयर किया एंड नाउ it is very clear to you that what is the importance of power sharing what is actually power sharing is so in this way we can understand the power sharing बिल्कुल पावर शेयरिंग यहाँ पर सीखने योग्य है आपने जो उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया बेल्जियम का वो वाकई बेहतरीन है और जो आपने गवर्नमेंट का एक क्लासिफिकेशन वहाँ का बताया वैसे हम अपने देश में भी यदि देखें तो हमारे पास केंद्र सरकार है हमारे पास राज्य सरकार है और पंचायत स्तर पर भी हमारे यहाँ चुनाव होते हैं जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं लेकिन हाँ जैसा कि आपने कहा कि एक सिटी स्तर पर एक जैसे ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट है शायद वो हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है क्योंकि वो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है दे रिपोर्ट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली तो वो बस हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कि हर देश की अपनी अपनी होती है तो मुझे लग रहा है लेकिन बाकी सारे इसी तरीके से आप देखें कि ब्रसेल्स की जो गवर्नमेंट है जो कैपिटल गवर्नमेंट है दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ यूनिक गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने वाली ये होंगी कि हम सब ढेर सारे लोग हैं यहाँ पर हमारी जो है अनेकता में एकता है सबके अपने मत है तो मतभेद भी होंगे लेकिन उन्हें सुलझा लेना ही सर्वोपरि है और मुझे लगता है वही समझदारी है और उसी के साथ सोशल साइंस मुझे लगता है हमको हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी ताकि हम खुशहाली से आगे बढ़ सकें और सब एक साथ रह सकें तभी हमारा साथ रहेगा हमारा विश्वास रहेगा और हमारा विकास रहेगा मैं आपका धन्यवाद कहूंगा कि आपने आज इस विषय का चुनाव किया और सोशल साइंस की क्लास ली अपना समय दिया सीआईईटी की पूरी टीम की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद राहुल जी एंड थैंक यू माय डियर व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस थैंक यू हमारा ये सोशल साइंस का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं आप कहीं मत जाइएगा देखते रहिए अगला सेशन लेकर हम अभी हाजिर होंगे जो कि है साइंस का और बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए तो देखते रहिए कहीं मत जाइएगा अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में नमस्कार